हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करूंगा, और जैसे कि असम का नीट 2023 काउंसलिंग का जो सेकंड राउंड का रिजल्ट आना था उसमें अभी डिले हो गया है। और एक और चीज़ है जो कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि NRI का एडमिशन अभी और नहीं होगा, और इसके बारे में भी बात करूँगा। और कुछ क्वेश्चंस है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा था, इन सारी क्वेश्चंस का आंसर्स मैं इस वीडियो में दूंगा। तो आप इस वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन पेशेंस रखकर आप इस वीडियो को एंड तक देखना। सो लेट्स स्टार्ट। सो इस वीडियो में मैं नीट 2023 काउंसलिंग की अभी जो डायलेमा चल रहा है इसके बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले असम कैबिनेट ने 2 महीने पहले एक डिसीजन लिया था, जिसमें उन्होंने बोला कि इस बार EWS का जो सीट्स है, जो 10% रिजर्वेशन है, वो सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेजेस में ही होगा। और फिर एक नया रिजर्वेशन, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ 10% NRI कोटा, उन्होंने डिसीजन लिया था, फिर इसको इम्प्लीमेंट किया था। और फर्स्ट राउंड में इसको 7% रिड्यूस कर दिए थे, जो NRI का जो 10% रिजर्वेशन थे। और फिर क्या हुआ, जो एक्सपेक्टेड था कि इसके ऊपर केस होगा, तो इसके लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट पे EWS का जो रिजर्वेशन है, जो रेस्ट्रिक्ट कर दिए थे सिर्फ और सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेजेस में, इसके ऊपर गुवाहाटी हाईकोर्ट में एक केस हुआ। तो उसकी वजह से फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग को थोड़ा डिले हुआ, लेकिन केस चल रहा था उसके बीच DME ने फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग स्टार्ट कर दिए, और उसके बाद फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग का रिजल्ट भी आ गया है और एडमिशन भी हो चुका है। लेकिन अभी तक वो केस पेंडिंग चल रहा है कोर्ट में, और उसका रिजल्ट यानी कि उन्होंने बोला कि नेक्स्ट हियरिंग 7th of September में ही होगा। तो रिजल्ट अभी तक नहीं आया है केस का, लेकिन एडमिशन हो चुका है। तो फिर कुछ दिन बाद DME ने, यहाँ पर आप देख सकते हैं, 11th of August में एक नोटिस रिलीज़ किया है, जहाँ पर उन्होंने बोला कि दिस इज़ फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल कैंडिडेट्स हु आर प्रोफेशनली सिलेक्टेड एंड एडमिटेड इन द गवर्नमेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस ऑफ असम अंडर स्टेट कोटा फॉर द सेशन 2023, दैट ऑल एडमिशंस आर प्रोविजनल एंड सब्जेक्टेड टू द आउटकम ऑफ द फाइनल वर्डिक्ट ऑफ द गुवाहाटी हाईकोर्ट। देखिए, प्रोविजनल का मतलब क्या होता है, प्रोविजनल मतलब ओनली फॉर द प्रेजेंट टाइम, दैट इज लाइकली टू बी चेंज इन द फ्यूचर। तो DME ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो जो एडमिशन फर्स्ट राउंड में हुआ है वो चेंज हो सकता है फ्यूचर में। लेकिन इन्होंने DME ने ये सेफ साइड में रहने के लिए ये प्रोविजनल वर्ड यूज़ किया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली द एडमिशन ऑफ दोज कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी टेकन एडमिशन इन द फर्स्ट राउंड काउंसलिंग विल नॉट बी कैंसल। देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स का एडमिशन फर्स्ट राउंड में हो चुका है मेडिकल कॉलेजेस या फिर BDS में, उनका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। या तो कोर्ट का डिसीजन इस साल नहीं आएगा, इसको और भी डिले करा जाएगा, या फिर अगर डिसीजन आता है तो इस साल ये शायद एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से जितने भी कैंडिडेट्स का एडमिशन हुआ है उनका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि उनका क्लासेस स्टार्ट हो चुका है, उनका एडमिशन भी हो चुका है। तो फर्स्ट राउंड में जितने भी स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ वो कैंसिल नहीं होगा। ये तो हो गया पहला पॉइंट। तो नेक्स्ट इज, फिर सेकेंड राउंड के काउंसलिंग के कुछ दिन पहले ही DME ने ये वैकेंट सीट मैट्रिक्स रिलीज किया है, मतलब सेकेंड राउंड में कितने सीट्स अभी भी बाकी है। तो सेकेंड राउंड में आप देख सकते हैं जनरल में लगभग 58 सीट्स है, और फिर OBC में देख सकते हैं 23 सीट्स। तो इतने सारे सीट्स कहाँ से आए? तो ये सभी सीट्स जो NRI का रिमेनिंग सीट्स था, देखिए NRI में फर्स्ट राउंड में 30 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है, लेकिन 38 सीट्स अभी भी खाली था, 38 नहीं, ऑलमोस्ट 88 था, 88 से अराउंड 48 सीट्स अभी भी है। तो इसका मतलब ऑल द NRI रिमेनिंग सीट्स आर एडेड इन द सेकेंड राउंड सीट मैट्रिक्स। और सेकेंड राउंड का काउंसलिंग, मतलब NRI का जो सेकेंड राउंड है वो नहीं होगा, NRI का सिर्फ फर्स्ट काउंसलिंग हुआ है और सेकेंड राउंड अभी और नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो NRI का जो रिमेनिंग सीट्स है वो सभी DME ने सेकेंड राउंड के सीट मैट्रिक्स में उन्होंने ऐड कर दिया है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि NRI का अभी सेकेंड काउंसलिंग नहीं होगा। और फिर सेकेंड राउंड का रिजल्ट एक्सपेक्टेड था कि 28th of August में आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा, बिकॉज ऑन 25th August में सुप्रीम कोर्ट का एक नोटिस आया है असम का जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने बोला, क्योंकि एक केस सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाला गया है जिसमें उन्होंने NRI का जो रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किए गए थे असम में उसके ऊपर, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है स्टेट गवर्नमेंट में, जहाँ पर जिसकी वजह से द एडमिशन ऑफ NRI कोटा इन असम हैज़ बिन सस्पेंडेड। तो NRI कोटा का एडमिशन और नहीं होगा। लेकिन ये देखिए, इसके पहले ही
और डीएमई ने यह सेट मैट्रिक्स रिलीज किया है। तो और सेट मैट्रिक्स रिलीज में उन्होंने सेट मैट्रिक्स जब रिलीज हुआ तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एनआरआई का सीट मैट्रिक्स नहीं है, इसमें सिर्फ इसमें स्टेट कोटा का रिमेनिंग सीट्स है और एनआरआई का जो रिमेनिंग सीट्स है वो भी है। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो नोटिफिकेशन आया है उससे पहले ही डीएमई ने एनआरआई का एडमिशन स्टॉप कर दिया है। इसका मतलब एडमिशन बंद होने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आया है। तो ये कोई मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स का एडमिशन होना था फर्स्ट राउंड में उनका एडमिशन हो चुका है। तो फिर इस नोटिस की वजह से सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट आना था वो डिले हो रहा है और ये लगभग एक हफ्ता डिले हो सकता है। मे बी ये कल भी आ सकता है, क्योंकि डीएमई का कुछ पता नहीं मतलब कुछ भी कर रहा है। मे बी कल भी हो सकता है या फिर एक हफ्ते और दो हफ्ते लग भी सकता है, क्योंकि ये जो केस है इसका नेक्स्ट हियरिंग 11 सितंबर शायद 11 सितंबर में ही आ जाएगा। और फिर जो नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को दिया है उसमें एक चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, नो फर्दर एलोकेशन और अलॉटमेंट शैल बी मेड टू द सीट्स और एडमिशन इन द कोटा ओरिजिनली यर मार्क फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी व्हिच हैज बीन नाउ डाइवर्टेड टू एनआरआई कोटा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मतलब नो फर्दर अलॉटमेंट ऑफ सीट्स, आप फ्यूचर में और कोई सीट्स अलॉटमेंट नहीं होगा, जो सीट्स ईडब्ल्यूएस में था पहले उसको डाइवर्ट करके एनआरआई कोटा में दे दिए गए थे। तो इसका मतलब ईडब्ल्यूएस का जो जितने भी सीट्स एनआरआई कोटा में डाइवर्ट किए गए हैं फर्दर नहीं होगा, मतलब जो एडमिशन हो चुका है उनका एडमिशन हो जाएगा, उनका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि एनआरआई कैंडिडेट्स जो स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है क्या उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्लियरली बोला गया है एडमिटेड स्टूडेंट्स एडमिशंस विल नॉट बी कैंसल्ड। तो ये कन्फर्म है, जो स्टूडेंट्स एडमिशन ले लिया है उनका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। सो इसके वजह से जो काउंसलिंग है वो डिले होगा, दिस हैज़ डिलेड सेकंड काउंसलिंग रिजल्ट, जो आज भी आना था क्योंकि कल डीएमई ने और डीएमई का एक वहाँ पर एक ऑफिशियल ने बोला था कि आज रिजल्ट आ जाएगा, तो आज भी रिजल्ट नहीं आया। फिर उन्होंने आज एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है जिसमें उन्होंने बोला कि सेकंड काउंसलिंग का जो रिजल्ट है वो डिले होगा। तो फिर भी इन्होंने ये नहीं बोला कि कितने दिन डिले होगा, तो आप लोगों को मतलब उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि डीएमई रिजल्ट रिलीज़ करने से पहले ही नोटिफिकेशन रिलीज़ करेगा। ये देख रहे आप लोग, सभी लोग देख सकते हैं क्योंकि डीएमई नोटिफिकेशन रिलीज कर रहा है, ऐसा नहीं है कि मतलब चुपचाप बैठे हुए, वो लोग भी काम कर रहे हैं। सो नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज कितना डिले होगा। देखिए ये तो मैंने बोल दिया था कि ये नोटिफिकेशन रिलीज किया था, द रिजल्ट ऑफ सेकंड राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन कोर्सेज इन द एमबीबीएस एंड बीडीएस कोर्स विल बी डिलेड। लेकिन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि डिले कितने दिन होगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड का स्टूडेंट्स का क्लासेस 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा और फिर सेकेंड राउंड में स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना है। ठीक है, रिपोर्टिंग तो 4th ऑफ अगस्त होगा, 3rd and 4th of August है सेकेंड राउंड का डेट, लेकिन अभी तक सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का सेकेंड राउंड का लिस्ट रिलीज नहीं हुआ है। तो फिर इनका एडमिशन कब होगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो ये डीएमई रिलीज करेगा मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट माइट चेंज इन सेकेंड राउंड सीट मैट्रिक्स, मतलब ये डिसीजन, मतलब सेकेंड राउंड का जो लिस्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद आ सकता है, या फिर मतलब 2 या 3 दिन के अंदर ही आ जाएगा, कल भी आ सकता है, कुछ बता नहीं सकते। और फिर क्या हो सकता है, जजमेंट आने के बाद सीट मैट्रिक्स में सेकेंड राउंड का जो सीट मैट्रिक्स है उसमें चेंजेस हो सकता है। देखिए, माइट चेंज इन सेकेंड राउंड सीट मैट्रिक्स। तो ये तो हो गया डिले इन काउंसलिंग रिजल्ट ऑफ सेकेंड राउंड। नेक्स्ट इज नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारा स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे कि जो स्टूडेंट्स फर्स्ट राउंड में सिलेक्टेड हो गए हैं और अपग्रेड करने के लिए सोच रहे हैं, क्या उनको 1 सितंबर में क्लास अटेंड करना इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन रिलीज किया था उसमें डीएमई ने बोला कि द कैंडिडेट सिलेक्टेड प्रोविजनल एडमिट द फर्स्ट राउंड काउंसलिंग आर हेयर बाई डायरेक्टेड टू रिपोर्ट टू द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल कंसर्न्ड मेडिकल कॉलेज ऑन 1 सितंबर टू अटेंड देयर फंक्शन क्लास विदाउट फेल। दिस इज कंसिडर्ड टू बी मैंडेटरी प्रोग्राम। ऐसा नहीं है कि उस 1 सितंबर को आपको 100% अटेंड करना ही होगा। देखिए, फर्स्ट राउंड सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मे और मे नॉट अटेंड, क्योंकि ये आपके ऊपर है। अगर आपको मतलब 1 सितंबर में क्लासेस, मतलब जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा उसको अगर अटेंड नहीं करना है, आप नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, 1 सितंबर में क्या होगा, ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा, आप लोगों का इंट्रोडक्शन होगा टीचर्स के साथ और फिर प्रिंसिपल्स का कुछ लेक्चर्स होगा, मतलब ये पूरा दिन
सिर्फ यही ऐसे ही रह जाएगा। फिर उसके बाद एक और चीज़ होगा, ओथ टेकिंग सेरेमनी। तो आप लोगों का एक ओथ टेकिंग सेरेमनी होगा। तो मेरा मानना है, आई विल सजेस्ट अटेंड ऑन फर्स्ट सेप्टेम्बर एंड देन रिटर्न। देखिए क्या होता है कि ओथ टेकिंग सेरेमनी ये एक ही बार होता है कॉलेज में। जो सेकंड राउंड में स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए ओथ टेकिंग सेरेमनी नहीं होता है कि, और ओथ टेकिंग सेरेमनी ये बहुत ही मतलब प्रेशियस मोमेंट होता है। और फर्स्ट पहली बार आप मेडिकल कॉलेजेस में जा रहे हो और फिर ऐसे एक सेरेमनी हो रहा है जिसकी वजह से आप लोग मतलब मेडिकल फील्ड में एंटर कर रहे हो। तो मेरा मानना है अटेंड कर लो फिर और रिटर्न हो जाना फर्स्ट ऑफ सेप्टेम्बर के बाद। एक दिन की मतलब एक दिन क्लास अटेंड कर लो फिर रिटर्न हो जाना। और फिर सेकेंड ऑफ सेप्टेम्बर से तुम लोगों का फर्स्ट फाउंडेशन कोर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। तो फाउंडेशन क्लासेस में क्या होता है, उसमें इंट्रोडक्शन विथ टीचर्स होता है, फिर तुम लोग बैचमेट्स के साथ इंट्रोडक्शन होगा, नया फ्रेंड्स बनाओगे, और फिर मेडिकल कॉलेजेस के बारे में आइडिया होगा, फील्ड विजिट होगा, डिपार्टमेंट विजिट होगा, मतलब कॉलेजेस के में कॉलेजेस में हॉस्पिटल्स का मतलब व्यू या फिर जितने भी डिपार्टमेंट्स है, वार्ड्स है, ये सभी तुम लोगों को दिखाया जाएगा। और फिर कॉलेजेस का ग्राउंड मतलब जितने भी है उन सभी चीज़ के बारे में आप लोगों को एक एक्सपोजर मिल जाएगा, और हॉस्टल एनवायरनमेंट कैसे है ये सब चीज़ के बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो फाउंडेशन क्लासेस में ऐसे ही चलेगा, नॉर्मल क्लासेस कुछ भी स्टार्ट नहीं होगा। तो ये ऑलमोस्ट 15 डेज ही रहेगा। और फिर इफ़ अपग्रेडिंग कॉलेज एंड होपिंग टू गेट कॉलेज देन नीड नॉट अटेंड ऑन फर्स्ट सेप्टेम्बर। मतलब ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जिनका कॉलेज बहुत दूर है घर से, तो अगर वो लोग फर्स्ट ऑफ सेप्टेम्बर में अटेंड नहीं करना चाहते हैं तो उनके लिए मेरा मानना है कि कॉलेज अटेंड नहीं करो। अगर आप लोग अपग्रेड कर रहे हो और आपको पता है श्योरली मतलब आपको श्योर आप श्योर हो कि सेकेंड राउंड में कॉलेज मिल जाएगा, तब तो मतलब फर्स्ट ऑफ सेप्टेम्बर में अटेंड करना कोई नेसेसिटी नहीं है। फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा जो मतलब अटेंड कर लो, जो प्रोग्राम है उसको देख लो कि ये प्रोग्राम जो है वो आपको सेकेंड राउंड में नहीं मिलेगा। सेकेंड राउंड में जो जो स्टूडेंट्स एडमिट होंगे तो उनके लिए ऐसा प्रोग्राम नहीं होगा। लास्टली थैंक यू फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस यूट्यूब चैनल एंड योर सपोर्ट। देखिए आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मैं अभी यहाँ तक पहुँचा हूँ और ये सब वीडियो बना पा रहा हूँ, तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया है तुम सभी लोगों के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।